अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम विंटर नाइट क्रीम की बात करें जो आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं। विंटर्स में स्किन बहुत डल हो जाती है तो उसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे बादाम यूज़ कर रहे हैं, बादाम की हम नाइट क्रीम बनाएंगे जो स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, स्किन स्मूथ बनाता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है, एक्नी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को ख़त्म करता है, ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, सन बर्न को कम करने में मदद करता है, फ्रैकल्स और एज स्पॉट्स जो हो जाते हैं ब्लैक कलर के वो भी ख़त्म कर देता है, ट्रीट करता है उसको। तो सबसे पहले हमने रात में बादाम ले लिए हैं और उनको भिगो के रख दिया है, पूरी रात वो भीगे रहेंगे। फिर सुबह उठ के उनका छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। रिमूव करके उसमें मैं अरके गुलाब डाल रही हूँ थोड़ा सा, और अरके गुलाब डाला है बिल्कुल ज़रा सा डाला है, और मैंने एलोवेरा जेल डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर, और इनको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। जब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे तो एक पेस्ट हमें हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरह का पेस्ट होगा, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। आप किसी भी ब्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे नेविया सॉफ्ट ली है, तो नेविया सॉफ्ट के भर भर के हमें 2 टेबल स्पून लेने हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 2 ले लें, और अगर ड्राई है तो आप 2 ले लें, और ऑयली है तो आप 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ क्योंकि विंटर्स भी है ना, तो हम मॉइस्चराइज तो वैसे ही करते हैं, तो मुंह धो के डायरेक्ट ये भी लगा लेंगे तो आपको बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका चेहरा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लें, और कोई भी कंटेनर आपके पास खाली हो तो उसमें आप इसको भर के फ्रिज में रख लें। ये इतना ही बना है कि 1 हफ्ते में आप यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक में आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं सब पे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त नाइट क्रीम है, आप यकीन करें मेरा स्किन इतना ग्लो कर रहा है ना ये लगा के, बहुत ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ये देखें मैंने इसमें भर लिया है और मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। अब मैं ये लगा के दिखा रही हूँ, अपने हाथों पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। जब आप इसको लगा के हल्का सा मसाज करेंगे तो इसके बादाम के पेस्ट के थोड़े थोड़े से दाने दाने से होंगे जो हमारी स्किन पे आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में वो ड्राई हो जाएगा, और वो जो छिलके से हैं उनको आप झाड़ लीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएंगे।